अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं समूह क्रिकेट लाइव कमेंट्री, उर्दू कमेंट्री में आपका हमारे यहाँ पर वेलकम है। और अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है, जिस T20 सीरीज़ 3 T20 मैचों की सीरीज़ है, जिसका पहला T20 आज खेला जा रहा है। यहाँ पर अबू धाबी में खेला जा रहा है, UAE में, और शेख ज़ायद स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है। पूरी की पूरी सीरीज़ यहाँ पर UAE में मुनक़द की गई थी, और यहाँ पर 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं। एक जो है वो जिम्बाब्वे ने जीता था पहला टेस्ट मैच, एक और एक मैच जो है वो अफगानिस्तान जीत चुकी है। और यहाँ पर बराबर की दोनों ने जो है वो एक एक मैच जीत कर यहाँ पर दोनों बराबर हो गए, और सीरीज़ जो है वो ड्रा हो गई टेस्ट सीरीज़। और यहाँ पर 3 T20 मैचेस की सीरीज़ खेली जाने वाली हैं, जिसका पहला T20 मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, और सॉरी टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। यहाँ पर जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है आज, और देखना है कि अफगानिस्तान बैटिंग कर रही है, जो 37 रन बना चुकी है 0 विकेट के नुकसान पे। 3.1 ओवर का खेल भी मुकम्मल हो चुका है अब तक, और यहाँ पर बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं रहमतुल्लाह कुरबाज़, जो 29 पे खड़े हैं। 13 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के और 3 चौके लगा चुके हैं। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की आज, 223 का उनका स्ट्राइक रेट है, और अच्छी तरह बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबाज़। और दूसरी जानब करीम जन्नत खड़े हैं, जिन्होंने 6 रन ही बनाए हैं, 6 गेंदों का सामना किया है, 100 का उनका स्ट्राइक रेट है। यहाँ पर 37 पे यहाँ पर जो है वो कोई विकेट अब तक नहीं गई है यहाँ पर, और अगली गेंद पर 2 रन मिलेंगे यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबाज़ को, और स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। और यहाँ पर बॉलिंग जो है वो डोनाल्ड ट्रिपानो कर रहे हैं, अपना पहला ओवर करा रहे हैं, 6 रन दे चुके हैं, 2 गेंदें करा चुके हैं अब इस ओवर की। तो यहाँ पर 3.5 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 43 रन हो चुके हैं अफगानिस्तान के, और रहमतुल्लाह गुरबाज़ खड़े हैं क्रीज पर 35 रन बनाकर, और इस ओवर की लास्ट गेंद करेंगे यहाँ पर टोनल, और बॉल की यहाँ पर एक सिंगल ही मिल पाएगा इस गेंद पे। इसी के साथ 4 ओवर के बाद 44 पे कोई विकेट नहीं गिरी यहाँ पर, और 11 का करन रन रेट है यहाँ पर अफगानिस्तान का, बहुत ही आला करन रन रेट है आज, बहुत ही तेज़ी के साथ रन बना रही है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम, और जिम्बाब्वे की टीम के लिए बहुत मुश्किलात यहाँ पर, और बहुत ही तेज़ी के साथ रन बना रही है यहाँ पर रहमतुल्लाह गुरबाज़। यहाँ पर स्क्वाड की बात करें दोनों टीमों की, तो स्क्वाड में यहाँ पर जिम्बाब्वे की बात करें पहले, जिम्बाब्वे के स्क्वाड में यहाँ पर अजिसाई मुसकंदा हैं, और इसके अलावा तिनशे हैं, और इसके अलावा शीन विलियम्स हैं,
केन विलियम्स इस टीम के कैप्टन हैं, 42 मैचेस खेल चुके हैं, बहुत ही कमाल का इनके पास एक्सपीरियंस है। वीजले हैं इस टीम में, वीजले के बाद और सिकंदर रजा हैं इस टीम में, रिचमोंड हैं और इसके अलावा रियान बर्ल हैं और डोनाल्ड टीपानो हैं और ब्रैंडन बबूता हैं, इसके अलावा ब्लेसिंग मुजरबानी हैं और रिचर्ड निगारवा और इसके अलावा अफगानिस्तान के प्लेइंग 11 की बात करें तो यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज जो इस टीम के विकेट कीपर हैं और करीम जन्नत हैं इस टीम में, और इसके अलावा यहाँ पर उस्मान गनी हैं और हजमतुल्ला शाहिद हैं, असगर अफगान हैं जो इस टीम के कैप्टन हैं और नजीबुल्ला जरदान हैं, मोहम्मद नबी खेल रहे हैं जिन्होंने 79 मैचेस खेले हैं और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इनके पास, राशिद खान हैं, आमिर हमज़ा है इस टीम में और इसके अलावा नवीन उल हक और फरीद मलिक हैं, और आज मुजीबुर्रहमान को जो है वो नहीं आज खेल पा रहे हैं मुजीबुर्रहमान, क्योंकि उनका वीज़ा का मसला था इसीलिए वो यहाँ पर मौजूद नहीं है अपने यहाँ पर मैच खेलने के लिए, तो उनका वीज़ा नहीं लगा था तो उनकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को जो है वो मौका दिया गया है, वो अगले मैच में शायद हो सके खेल पाएँ। यहाँ पर मैच की बात करें, हेड टू हेड की बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमों का जो है वो वाजे यहाँ पर रिकॉर्ड है और दोनों टीमों के दरमियान 10 T20 मैचेस खेले गए हैं जिसमें तीन जो है वो यहाँ पर अफगानिस्तान ने सॉरी तीन जो है वो जिम्बाब्वे ने जीते हैं और यहाँ पर 7 मैचेस जो है वो अफगानिस्तान जीत चुकी है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान के पास और अफगानिस्तान अपने लगातार 4 मैचेस जीती है और एक ही हारा है, और जिम्बाब्वे अपने लास्ट 5 मैचेस में से 5 मैचेस हारा हुआ है और यहाँ पर 7 मैचेस हेड टू हेड अफगानिस्तान जीती है, 3 मैचेस ही यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम हेड टू हेड जीत सकी है, तो ये पिच जो है बहुत अच्छी है, यहाँ पर बैटिंग पिच है, यहाँ पर बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मदद मिलेगी, यहाँ पर बैट्समैनों को अच्छा टोटल बन सकता है इस पिच पर, बहुत शानदार पिच है ये बैट्समैनों के लिए, तो यहाँ पर अभी 57 रन हो चुके हैं, कोई विकेट नहीं गिरी, 4.4 ओवर के बाद 12 का करन रन रेट है जो बहुत ही शानदार करन रन रेट है, और इसी के साथ अफगानिस्तान जो है वो अभी भी इसके बाद एक ओवर बचता है पावर प्ले का, अगली गेंद आए किराए सिकंदर शेन विलियम्स ने और इसी के साथ एक सिंगल मिली और ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद 58 रन हो चुके हैं और ओवर कम्प्लीट हो चुका है, यहाँ पर शेन विलियम्स जो इस टीम के कैप्टन है अपना पहला ओवर गिरा रहे थे, पहले ही ओवर में 14 रन इनको लग चुके हैं और 41 पे अब रहमानुल्लाह गुरबाज खड़े हैं, उनको सिर्फ 9 रन चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए और अभी 205 का उनका स्ट्राइक रेट है जो शानदार स्ट्राइक रेट है, और 41 पे खड़े हैं अभी भी दूसरी जानिब करीम जन्नत खड़े हैं जिन्होंने 15 रन बनाए हैं, 10 गेंदों का सामना किया है, 2 चौके लगा चुके हैं, 100 का स्ट्राइक रेट है तकरीबन और 11.60 का करन रन रेट है अफगानिस्तानी टीम का, बहुत ही शानदार यहाँ पर इनिंग खेलते हुए रहमानुल्लाह गुरबाज, और बहुत ही अच्छा स्कोर बनता हुआ यहाँ पर एवरेज स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है, 11.5 का एवरेज स्कोर बन रहा है यहाँ पर, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, और इसी के साथ 58 रन हो चुके 5 ओवर के बाद और पहली गेंद यहाँ पर की ब्लेसिंग ने और इसी के साथ सिंगल मिली यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज को, सिंगल ले जन्नत ने लेकर दी है और यहाँ पर क्रीज पे रहमानुल्लाह गुरबाज अब आ चुके हैं और यहाँ पर दूसरी गेंद करेंगे, यहाँ पर ब्लेसिंग मुजरबानी अपनी दूसरी ओवर की दूसरी गेंद किराएंगे, यहाँ पर 12 रन दे चुके हैं, बॉल आए किराई लेकिन एक शानदार चौका लगा दिया, यहाँ पर कंफर्म होगा कि यहाँ पर चक्का है कि नहीं, कैच भी ड्रॉप हुआ यहाँ पर और इसी के साथ बॉल को जो है वो पकड़ लिया है फील्डर ने लेकिन कैच जो है वो ड्रॉप कर दिया उन्होंने और इसी के साथ ये एक शानदार कैच था रहमानुल्लाह गुरबाज का लेकिन ड्रॉप कर दिया, सीधा सीधा कैच था हाथों में और यहाँ पर कैच को बिल्कुल हाथों से छोड़ दिया यहाँ पर जिम्बाब्वे के खिलाड़ी ने और इसी के साथ यहाँ पर चौका रोकने में कामयाब, क्योंकि बहुत आसान कैच था, ये कैच होना चाहिए था लेकिन बहुत यहाँ पर मिस्टेक की और अगली गेंद पे एक शानदार चौका लगा दिया यहाँ पर फिर से करीम जन्नत इस बार हैं, पिछली बार शॉट रहमानुल्लाह गुरबाज ने मारी थी और इस बार शॉट जो है वो
करीम जन्नत ने मारी है और इसी के साथ एक शानदार चौका यहाँ पर मिलता हुआ। बॉल जो है वो सीधा एक कवर की जानब पे शॉट खेली थी करीम जन्नत ने, एक शानदार चौका उनको वहाँ पर मिला कवर डीपे डीप कवर पे, और इसी के साथ यहाँ पर शानदार चौका मिलता हुआ करीम जन्नत को। अगली गेंद कराएंगे यहाँ पर ब्लेस सिंह इस ओवर की चौथी गेंद। देखना है कि इस ओवर की चौथी गेंद पे क्या होता है। अब बॉलिंग कराने के लिए आए यहाँ पर बॉल, और यहाँ पर आए बॉल की, लेकिन यहाँ पर बॉल को खेल नहीं पाए। इसी के साथ एक डॉट बॉल आता हुआ इस ओवर में। इसी के साथ 20 पे अब खड़े हैं रहमानुल्ला, सॉरी करीम जन्नत और रहमानुल्ला गुरबाद 42 पे खड़े हैं 21 गेंदों का सामना कर कर, और 64 रन हो चुके हैं अब अफगानिस्तान के टीम के। 5.4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो इसी के साथ 66 रन हो चुके हैं अफगानिस्तान की टीम के। इस पांचवी गेंद पर 2 रन आए, एक शानदार शॉट लगाई थी यहाँ पर करीम जन्नत ने, लेकिन बॉल जो है वो चौके के जानब गई थी लॉन्ग ऑन की तरफ, लेकिन वहाँ पर फील्डर ने जाकर बॉल को पकड़ लिया और वहाँ पर फील्डर मौजूद नहीं था, और पीछे जाकर फील्डर ने पकड़ा बॉल को बाउंड्री लाइन से और शानदार फील्डिंग की यहाँ पर। इसी के साथ 2 रन आए इस ओवर में, पर इस गेंद पर अगली गेंद पर कोई रन नहीं आया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 66 पे 0 विकेट गई है अफगानिस्तान की। 11 का तकरीबन 11 का जो है वो करंट रन रेट है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम का। इसी के साथ बहुत शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम 6 ओवर में 66 रन हो चुके हैं, और इसी के साथ यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाद को सिर्फ 8 रन चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। उन्होंने 42 रन बनाए हैं, 21 गेंदों का सामना किया है, 2 छक्के 5 चौके लगाए हैं रहमानुल्लाह गुरबाद ने। 200 का स्ट्राइक रेट है उनका, 66 रनों की पार्टनरशिप भी लग चुकी है 36 गेंदों पे, और ओवर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और ब्लेसिंग ने 2 ओवर में 19 रन दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला ओवर कराने के लिए देखना है कि कौन से नए बॉलर आते हैं। यहाँ पर 66 रनों पे 6 ओवर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। 11 का करंट रन रेट है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम का। इस ओवर में सिर्फ एक बाउंड्री लगी है, 2 सिंगल आए, एक डबल आई, 8 रन ही बन पाए इस ओवर में। बहुत ही शानदार ये ओवर गुजरता हुआ पिछले ओवर की जानिब से, बहुत तेज़ी के साथ रन बना रहे हैं। अगली गेंद कराने के लिए आए बॉल की, लेकिन यहाँ पर वाइड बॉल की है यहाँ पर डोनल ट्रिपानो ने, और वाइड बॉल के साथ एक अच्छे एक और रन मिलती हुई यहाँ पर अफगानिस्तान के स्कोर बढ़ता हुआ 67 हो चुका है, और कोई विकेट अब तक नहीं गई है। 0 विकेट पे जो है वो 67 रन बने हैं, और सेट बैट्समैन खड़े हैं एक जगह रहमानुल्लाह गुरबाद 42 पे खड़े हैं, दूसरी जानब करीम जन्नत खड़े हैं 22 पे। दोनों सेट हो चुके हैं दोनों बैट्समैन, और अच्छी जो है वो बैटिंग करते हुए यहाँ पर जो नए आए फ्रेंड्स उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री उर्दू कमेंट्री हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान भी T20 सीरीज़ खेली जा रही है, उसकी भी हम लाइव कॉमेंट्री करेंगे। तो एक शानदार चौका इस ओवर में, पहली गेंद जो है वाइड कराई यहाँ पर डोनल्ड ने, और दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाद ने। इसी के साथ 46 पे खड़े हैं अब रहमानुल्लाह गुरबाद, अपनी 50 मुकम्मल करने के बिल्कुल करीब आ चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाद। देखना है कि 50 मुकम्मल कर पाते हैं कि नहीं। ये शॉट जो है बहुत शानदार शॉट लगाई यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाद, 46 पे खड़े हैं, सिर्फ 4 रन उनको चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए आज। और अगली गेंद खेली यहाँ पर सिंगल ही मिल पाएगा। इसी के साथ 72 और कि कोई विकेट के नुकसान पे, किसी भी विकेट के नुकसान पे यहाँ पर 72 रन हो चुके हैं। इसी के साथ 6.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो जो नए आए फ्रेंड उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव उर्दू कमेंट्री मिलती रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान कल जो है वो तीसरा T20 मैच खेला गया था, जो आसानी के साथ इंग्लैंड ने बहुत
शानदार नमूने से वो मैच जीता था, और ये सीरीज जो है वो 2-1 से जो है वो अभी भी है, और जिसका चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा 6:30 बजे, उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कल जो है 6:30 बजे अहमदाबाद में इंडिया और इंग्लैंड का चौथा T20 मैच खेला जाएगा, और 5वां T20 मैच 20 मार्च को खेला जाएगा 6:30 बजे, वो भी अहमदाबाद में ही खेला जाएगा। और 5 मैचों की ये सीरीज़ है इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान T20 मैचेस की, जिसमें 2 मैचेस इंग्लैंड जीत चुकी है। पहला मैच इंग्लैंड ने जीता, दूसरा इंडिया ने जीता, और तीसरा इंग्लैंड ने कल वाला मैच जीता है। तो 2 मैचेस अभी बचते हैं, अगर एक मैच इन दोनों मैचों में से एक मैच इंग्लैंड जीतती है तो ये सीरीज़ इंग्लैंड अपने नाम कर लेगी। अगर इंडिया को ये सीरीज़ जीतनी है तो दोनों मैचेस अगले जीतने होंगे, और यहाँ पर अगर इंग्लैंड को ये सीरीज़ जीतनी है तो अगला एक मैच जो है वो इंग्लैंड को जीतना पड़ेगा। तो जो नए आए फ्रेंड्स, उनको रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। यहाँ पर इस मैच की बात करें तो अफगानिस्तान 74 रन बनाकर खड़ी, यहाँ पर 6.4 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। अब तक बहुत शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज 47 रनों पर खड़े हैं, सिर्फ 3 रन उनको चाहिए अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। 23 गेंदों का ये सामना किया है, बहुत तेज़ी के साथ रन बना रहे हैं, एक और सिंगल का जो है वो अपने खाते में जोड़ते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। और यहाँ पर दूसरी जानब खड़े हैं करीम जन्नत, जिन्होंने 23 रन बनाए हैं, बहुत शानदार बैटिंग की है, लेकिन इतना अच्छे तेज़ी के साथ नहीं खेले हैं जिस तेज़ी के साथ रहमानुल्लाह गुरबाज खेले हैं। 200 का स्ट्राइक रेट है उनका, और सिर्फ 2 रन ही चाहिए उनको अपनी 50 मुकम्मल करने के लिए। 75 रन हो चुके हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के, और जिम्बाब्वे की यहाँ पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला अब तक गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जो नए आए फ्रेंड, उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छी कमेंट्री लग रही है हमारी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। 76 पे खड़ी अफगानिस्तान की टीम, और ये ओवर जो है वो 7वां ओवर मुकम्मल हो चुका है। इसी के साथ इस ओवर में जो है वो बहुत अच्छा, इतना अच्छा ओवर नहीं गुजरा अफगानिस्तान के लिए, और पिछले ओवर जो है वो अच्छे गुजरे हैं, लेकिन इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 11 रन ही आए, तो बहुत अच्छा ओवर गुजरा। यहाँ पर 11 रन आए इस ओवर में, 9 रन आए इस ओवर में, 11 नहीं आए। तो 76 पे खड़ी है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम, और पहले टॉस जीतकर यहाँ पर जिम्बाब्वे ने फील्डिंग करने का फैसला किया था। ओपनिंग पे करीम जन्नत आए, और दूसरी जानब रहमानुल्लाह गुरबाज आए, 48 खड़े हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, और 76 रनों की पार्टनरशिप भी लग चुकी है 42 गेंदों पर, और बहुत तेज़ी के साथ रन बनाए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। तो इंडिया और इंग्लैंड की टीम की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो T20 मैच के अलावा ODI सीरीज़ भी खेली जाने वाली हैं, जिसकी भी हम लाइव कमेंट्री करने वाले हैं। ODI सीरीज़ की बात करें तो ODI सीरीज़ में बहुत शानदार परफॉर्मेंस होने वाली हैं, 3 ODI मैचेस खेले जाने वाले हैं, उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ODI मैचेस की बात करने से पहले हम टेस्ट मैचेस की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ भी खेली गई थी, 4 मैचों की टेस्ट सीरीज मैचेस खेली गई थी, जो इंडिया ने बहुत शानदार नमूने से अच्छे तरीके से इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ जीती अपने नाम की, जिसका पहला मैच इंग्लैंड ने जीता था, अच्छी तरीके से इंग्लैंड ने जीता था और इंडिया को पकड़ लिया था आते ही, लेकिन दूसरा तीसरा चौथा टेस्ट मैच इंडिया ने जो है वो अच्छी तरीके से जीता, जिसमें अक्षर पटेल और रविचंद्र अश्विन की अच्छी परफॉर्मेंस थी। अक्षर पटेल ने सिर्फ 3 मैचों में 27 विकेटें ली थी और बहुत शानदार परफॉर्मेंस की थी अक्षर पटेल। रोहित शर्मा ने एक मैच में जो है वो 150 रन से जायद की इनिंग खेली थी, और इसके अलावा रविचंद्र अश्विन ने अच्छी परफॉर्मेंस की थी। इसी के साथ टीम वर्क था और ये मैच जो है, ये सीरीज़ जो है वो टेस्ट सीरीज़ इंडिया ने अपने नाम कर ली थी, लेकिन यहाँ पर T20 सीरीज़ में बहुत मुश्किलात का सामना नज़र आ रहा है। अब तक मेरे ख्याल से यहाँ पर इंग्लैंड का टीम जो है वो अगर एक मैच यहाँ पर कल वाला जीतती है इंग्लैंड की टीम, तो ये सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड के नाम हो जाएगी। तो देखना है कि कल इंडिया की टीम वापसी करती है कि नहीं। और इसी के साथ हम बात करें यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की ODI सीरीज़ की बात करें तो कब खेली जाएगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो पहला ODI मैच जो है वो खेला जाएगा 23 मार्च को खेला जाएगा। फर्स्ट ODI इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो होगा पुणे में, ODI सीरीज़ जो है वो सारी पुणे में खेली जाएगी, जिसका पहला ODI मैच 23 मार्च को होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1 बजे होगा, इंडियन वक्त के मुताबिक जो है वो
मेरे ख्याल से 12:30 होंगे इंडिया के पास, और हमारे पास जो है वो 1 बजेंगे, सॉरी इंडिया में 1:30 बजेंगे और हमारे पास जो है वो 1 बजेंगे। तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक यहाँ पर 1 बजे मैच शुरू होगा। 23 मार्च को पहला मैच खेला जाएगा और दूसरा मैच जो है वो 26 मार्च को खेला जाना है 1 बजे। सेम टाइमिंग है, सेम वेन्यू है। 26 मार्च को दूसरा ODI मैच खेला जाएगा इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान। तीसरा T20 सॉरी तीसरा ODI मैच जो है वो 28 मार्च को खेला जाएगा। इसी के साथ ये 3 ODI और 2 T20 अभी मैच बचते हैं इंडिया और इंग्लैंड के, जिसका चौथा T20 कल खेला जाएगा और पांचवा T20 20 मार्च को खेला जाएगा। तो 5 मैच अभी भी बचते हैं इंडिया और इंग्लैंड के, उसकी हम लाइव कमेंट्री करेंगे उर्दू में। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसके अलावा जो भी सीरीज़ आने वाली हैं उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करने वाले हैं, जिसकी हम बात करें यहाँ पर इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और जो है वो साउथ अफ्रीका के दरमियान भी एक सीरीज़ खेली जाने वाली है, उसकी भी हम लाइव कॉमेंट्री करने वाले हैं। तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी है, जिसमें 4 T20 मैच 3 ODI मैचेस खेले जाएंगे, उसकी भी लाइव कमेंट्री आपको सुनने में मिलेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, जिसमें 3 ODI मैचेस खेले जाने वाले हैं और 4 T20 मैचेस खेले जाने वाले हैं इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के लिए। पाकिस्तान का दौरा साउथ अफ्रीका होगा, जिसमें पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाएगी। 27 मार्च को पाकिस्तान यहां से रवाना होगी इस दौरे के लिए साउथ अफ्रीका के लिए, और पहला ODI मैच जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे खेला जाएगा। 2 अप्रैल से ये मैचेस शुरू होने वाले हैं, और यहां पर आपको बताते चलें पहली विकेट यहां पर गिरती हुई यहां पर अफगानिस्तान की, और आउट होने वाले बैट्समैन करीम जन्नत हैं, जिन्होंने 26 रन बनाकर यहाँ पर पवेलियन जाते हुए 22 गेंदों का सामना उन्होंने किया और 3 चौके लगा चुके हैं यहाँ पर करीम जन्नत। इसी के साथ 80 पे 1 विकेट गिरती हुई, 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पर पहली विकेट लेते हुए कामयाबी के साथ यहाँ पर जिम्बाब्वे इस ओवर की लास्ट गेंद में पहली विकेट लेते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान की 80 पे 1 विकेट गिर चुकी है 8 ओवर के बाद। करंट रन रेट अब 11 11.5 से आकर यहाँ पर 10 पे आ चुका है। तो यहाँ पर अगर जिम्बाब्वे को यहाँ पर स्कोर कम जो है वो टोटल कम चेस करना है तो यहाँ पर प्रेशर बनाना होगा अफगानिस्तान की टीम पे, क्योंकि 1 विकेट गिर चुकी है, यहाँ पर प्रेशर बनाए और 2-3 और विकेटें यहाँ पर लेने की कोशिश करें अफगानिस्तान की, तभी जो है वो कम टोटल बन सकता है। अगर अफगानिस्तान इसी तरह चलती रही तो बहुत बड़ा टोटल हो सकता है, 180 से ज़ायद का टोटल हो सकता है जिम्बाब्वे की टीम के लिए। और अफगानिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो बहुत शानदार बॉलिंग है अफगानिस्तान के पास, तो यहाँ पर अफगानिस्तान को जो है वो चेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर जिम्बाब्वे के लिए। अगर जिम्बाब्वे को ये जो है वो ये मैच जीतना है तो अफगानिस्तान को आउट करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है, जिसमें राशिद खान खेल रहे हैं आज मुझे और मोहम्मद नबी खेल रहे हैं, मुजीबुर्रहमान अलबत्ता नहीं खेल रहे हैं, लेकिन उनके पास फिर भी 3 शानदार स्पिनर हैं और अच्छे जो है वो राशिद खान और मोहम्मद नबी बहुत जाने माने यहाँ पर वर्ल्ड बेस्ट जो है वो बॉलर माने जाते हैं, हर लीग में खेलते हैं, IPL में खेलते हैं और इस साल PSL में भी खेले थे ये दोनों प्लेयर्स, बल्कि तीनों प्लेयर्स मुजीबुर्रहमान भी खेले थे, और लेकिन PSL जो है वो पोस्टपोन हो गई है COVID-19 की वजह से, पोस्टपोन हो गई थी जो जून में फिर से खेली जाएगी। और IPL की बात करें तो IPL भी 9 अप्रैल से खेला जाना है यहाँ पर, इंडियन प्रीमियर लीग का भी आगाज़ होने वाला है 9 अप्रैल से। तो जो नए आए फिर उनको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री मिलती रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर इस मैच की बात करें तो इस मैच में जो है वो 81 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 8.2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। तो जो नए आए फ्रेंड्स उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री मिलती रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर अफगानिस्तान पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दौरे की। तो पहला पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला ODI मैच जो है वो 4 बजे खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, 2 अप्रैल को ये मैच शुरू होगा, और दूसरा ODI पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का 4 अप्रैल को होगा, जो 4 बजे सेम वेन्यू होगा सेम टाइम होगा। और तीसरा ODI मैच जो है वो 7 अप्रैल को खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और
पहला T20 मैच जो है वो 10 अप्रैल को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का खेला जाएगा। दूसरा T20 मैच टाइमिंग की बात करें तो 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे ये मैच शुरू होंगे T20, और दूसरा T20 मैच जो है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का 12 अप्रैल को खेला जाएगा, और तीसरा T20 मैच 14 अप्रैल को खेला जाएगा, और आखिरी लास्ट चौथा T20 मैच जो है वो 16 अप्रैल को पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान की अगली सीरीज जो है वो इंग्लैंड के दरमियान होगी, जो खेली जाएगी जुलाई में, जिसमें 3 ODI मैचेस खेले जाने वाले हैं और 3 T20 मैचेस भी खेले जाने वाले हैं। तो यहाँ पर इसके अलावा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ भी खेली जाने वाली हैं, उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करेंगे, और बहुत सारी जो है वो सीरीज़ खेली जाने वाली हैं। इंडिया की ये सीरीज़ जो है वो चल रही है, अभी भी T20 दो मैचेस बाकी हैं इंडिया के और इंडिया और इंग्लैंड के, और 3 ODI मैचेस बाकी हैं इंडिया और इंग्लैंड के, उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करने वाले हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से मिलती रहे। तो यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड की बात करते हैं, उससे पहले यहाँ पर इस मैच की बात करें जो 89 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे, और 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, और सिकंदर रजा ये ओवर करा रहे थे, उन्होंने 16 रन दिए हैं 2 ओवर करा कर। सिकंदर रजा ने 8 रन का इकोनमी है, और रहमानुल्लाह गुरबाज खड़े हैं, वो बहुत ही शानदार यहाँ पर फील्डिंग करते हुए 58 रन की पारी खेलते हुए 58 रन बनाए हैं तेज़ी के साथ। 29 गेंदों का ही सामना किया है उन्होंने, 3 छक्के लगाए हैं, 6 चौके लगाए हैं, 200 का स्ट्राइक रेट है यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज का। और दूसरी जान कैप्टन खुद आए हैं यहाँ पर, 9 रनों की पार्टनरशिप लग चुकी है दोनों प्लेयर्स के दरमियान। तो 2 प्लेयर्स खड़े हैं, दूसरी जानब अस्कर अफगान खड़े हैं जो इस टीम के कैप्टन हैं, 1 रन बनाकर खड़े हैं, 9 रनों की पार्टनरशिप लगी है। एक शानदार चौका लगा यहाँ पर लगा रहमानुल्लाह गुरबाज की जानब से, बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए आज रहमानुल्लाह, और एक चौके के साथ यहाँ पर स्कोर बोर्ड भी पड़ता हुआ 93 रन हो चुके हैं यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पर। और दूसरी जानब रहमानुल्लाह गुरबाज अपनी जो है वो 62 रन मुकम्मल कर चुके हैं यहाँ पर, अपनी 100 रन पे एक रन बनाने के करीब आते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज बहुत शानदार बैटिंग करते हुए 200 से जायद का इनका स्ट्राइक रेट है, बहुत ही शानदार T20 के हिसाब से स्ट्राइक रेट है इनका। बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, और 62 पे खड़े हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, दूसरी जाने पर 64 पे खड़े हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, दूसरी जाने पर कैप्टन खुद खड़े हैं यहाँ पर अस्कर अफगान खड़े हैं, और एक शानदार छक्का भी लग चुका है इस ओवर में जो लगा था रहमानुल्लाह गुरबाज ने। पहली गेंद पर यहाँ पर डोनाल्ड को और एक शानदार चौका भी लगा चुके हैं यहाँ पर, एक और शानदार चौका लगा यहाँ पर अस्कर अफगान ने अपनी टीम के लिए, टीम के कैप्टन है, उन्होंने 4 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाकर खड़े एक चौका लगाकर, शानदार चौका उन्होंने लगाया था सीधे कीपर की जानिब से, और डीप फाइन लेग पे एक शानदार एज लगी और इसी के साथ चौका उनको लगा, लेकिन एज नहीं लगी थी मैच में, एक बाय 4 था लेकिन पे बॉल लगी थी इसी के साथ एज से बॉल नहीं कर पाई थी, तो ये 5-4 रन एक बाय के, इसी के साथ 100 मुकम्मल होती है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के हुआ।
गेम तो है जो यहाँ पर हो और एक तो शानदार छक्का लग चुका है यहाँ पर गेम पे, और छक्का लगाने वाले बैट्समैन जो है वो अशोक अफगान है जिन्होंने शानदार छक्का लगाया यहाँ पर दोनों तूफानों को। और बॉल को सीधा डीप फ्राई लेग की जानिब फेंक दिया यहाँ पर राजेश्वरी अशोक अफगान ने, क्योंकि महंगा गुजरता हुआ 16 रन आए इस ओवर में जो है नजर बाकी है इस ओवर की। तो एक शानदार शॉट लगाई यहाँ पर गुरमा असगर अफगान ने और बॉल जो है फुल टॉस थी और बॉल को खेल दिया यहाँ पर डीप फाइन लेग के लिए एक छक्के के लिए। इस ओवर में 16 रन आ चुके हैं ऑलरेडी, इस ओवर में सॉरी 18 रन आ चुके हैं इस ओवर में। एक बड़ा ओवर गुजरता हुआ यहाँ पर डोनाल्ड ट्रिपानो का, जिन्होंने 2.5 ओवर में 35 रन दिए हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं आज के बॉलर ये। और अगली गेंद पे सिंगल ही मिल पाएगा, इसी के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे असगर अफगान और पेंटसर पे खड़े हैं रहमानुल्लाह गुरबज़। और असगर अफगान जो है वो आते ही उन्होंने 6 गेंदों पे एक छक्का लगाकर 8 गेंद रन बना लिए हैं, 133 का स्ट्राइक रेट है। दूसरी जानब रहमानुल्लाह गुरबाज खड़े हैं अपनी 50 लगा चुके हैं 100 के करीब आते हुए, यहाँ पर 108 रन हो चुके हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के 1 विकेट के नुकसान पे। और 10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, तो जो नए आए हैं फ्रेंड्स उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री मिलती रहे हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल जो है वो खेला जाएगा 6:30 बजे अहमदाबाद में, उसकी भी हम लाइव कमेंट्री करने वाले हैं, तो वो सुनने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में कमेंट्री आपको उर्दू कमेंट्री मिलती रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो इस मैच की बात करें तो ये मैच जो है वो बहुत ही शानदार, अफगानिस्तान की बैट्समैन जो है बैटिंग करते हुए 108 रन हो चुके हैं 10 ओवर के बाद। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, किसी ने भी अब तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और पहला लाइक देखना है कि कौन करता है। यहाँ पर अगला ओवर कराने के लिए यहाँ पर नए बॉलर आएंगे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रिपानो की बात करें तो 36 रन उनको लगे यहाँ पर, बहुत महंगे साबित हुए हैं 3 ओवर में 36 रन बने। अगले ओवर की पहली गेंद कराएँ यहाँ पर ब्रंटन मवोता ने, लेकिन यहाँ पर वाइड बॉल दिए पहली गेंद, यहाँ पर वाइड बॉल दिए यहाँ पर ब्रंटन मवोता ने और इसी के साथ बड़ी लंबी वाइड थी ये। अगली गेंद किराई यहाँ पर एक सिंगल ही मिल पाएगा, इसी के साथ स्पिनर हैं यहाँ पर ब्रेंडन मावुता, अपना पहला ओवर किरा रहे हैं। एक गेंद दिए यहाँ पर 2 रन भी दे चुके हैं, एक वाइड की सूरत में एक सिंगल की सूरत में। तो 110 रन अब हो चुके हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के 1 विकेट के नुकसान पे। अगली गेंद डॉट बॉल और इसी के साथ अच्छी बॉलिंग अब तक कर रहे हैं यहाँ पर ब्रंटन मवोता। और यहाँ पर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो है वो अप्रैल में खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 2 अप्रैल को खेला जाएगा पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। और यहाँ पर बात करें तो 4 बजे ये मैचेस शुरू हो जाएंगे, पहला ODI मैच होगा, पहली सीरीज़ जो है वो ODI की होगी, उसके बाद T20 सीरीज़ जिसमें 4 T20 मैचेस खेले जाने वाले हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का पहला ODI मैच जो है वो 2 अप्रैल को होगा, दूसरा ODI पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का 4 अप्रैल को होगा, तीसरा ODI पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का 7 अप्रैल को होगा। और T20 मैचेस की बात करें तो पहला T20 मैच 10 अप्रैल को होगा 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, और दूसरा T20 मैच 12 अप्रैल को 9 बजे होगा रात को 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के हिसाब से, और तीसरा T20 मैच जो है वो 14 अप्रैल को होगा, और चौथा T20 मैच 16 अप्रैल को होगा। उसके बाद पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के साथ सीरीज़ भी होनी है। और यहाँ पर बात करें इंडिया के मैचेस की तो इंडिया का जो है वो 3 T20 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें 2 इंग्लैंड ने और 1 इंडिया ने जीते हैं। अभी भी 2 T20 मैचेस खेले जाने वाले हैं दोनों टीमों के दरमियान, जिसका चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा 6:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो है वो अहमदाबाद में, ये 6:30 बजे मैच शुरू होगा कल।
और 18 मार्च को, कल 18 मार्च है तो कल चौथा टी ट्वेंटी होगा। पांचवा टी ट्वेंटी इंडिया और इंग्लैंड का जो है वो 20 मार्च को होगा 6:30 बजे। और जो है वो ODI सीरीज जो है वो 23 मार्च से 3 ODI मैचेस की सीरीज भी खेली जाने वाली है, जिसका पहला ODI मैच जो है वो 23 मार्च को 1 बजे होगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, इंडियन वक्त के मुताबिक 1:30 बजे होगा ये मैच शुरू। और दूसरा ODI मैच जो है वो 26 मार्च को होगा 1 बजे। और तीसरा ODI मैच जो है वो 28 मार्च को होगा। और इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज के बाद अलावा जो है वो हम बात करें यहाँ पर अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की T20 सीरीज की बात करें, तो जिम्बाब्वे T20 जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की अब पहला T20 आज खेला जा रहा है, जिसका दूसरा T20 मैच जो है वो 19 मार्च को खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 10 बजे। और यहाँ पर 19 मार्च को दूसरा T20 मैच खेला जाएगा, तीसरा T20 मैच 20 मार्च को खेला जाएगा अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे का, जिसकी हम लाइव कमेंट्री करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। और यहाँ पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज़ भी होने वाली है, जिसका आगाज़ जो है वो 20 मार्च से होने वाला है। पहला ODI मैच खेला जाएगा 20 मार्च को न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान 3 बजे रात को खेला जाएगा। ये बांग्लादेश का टूर है यहाँ पर न्यूजीलैंड के लिए। और दूसरा T20 मैच, सॉरी दूसरा ODI मैच जो है वो 23 मार्च को खेला जाएगा 6 बजे सुबह, और इंडिया और सॉरी इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा T20 सॉरी ODI मैच जो है वो खेला जाएगा 26 मार्च को 3 बजे रात को। और पहला T20 मैच न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा 28 मार्च को 6 बजे सुबह, हैमिल्टन में ये मैच शुरू होगा। और दूसरा T20 मैच 30 मार्च को खेला जाएगा 11 बजे, ये नेपियर में मैच खेला जाएगा। और तीसरा T20 मैच 1 अप्रैल को खेला जाएगा 11 बजे ऑकलैंड में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान। तो ये जो है वो दो तीन सीरीज़ अभी चल रही हैं, जिसमें इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज़ चल रही है, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे की सीरीज़ चल रही है, और यहाँ पर न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की सीरीज़ 20 फरवरी 20 मार्च से शुरू होगी। और इसके अलावा बात करें पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का दौरा है, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान भी सीरीज़ जो है वो 2 अप्रैल से शुरू होगी। और अप्रैल में जो है वो IPL भी खेला जाना है, जिसकी लाइव कमेंट्री आपको मिलती रहेगी इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 9 अप्रैल से RCB और मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की जो है वो पहला मैच खेला जाएगा 9 अप्रैल को, जिसका पहला मैच खेला जाएगा 7 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच शुरू होगा। उसकी भी लाइव कमेंट्री आपको मिलती रहेगी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। इसकी जो है वो पहला मैच RCB और मुंबई इंडियंस के दरमियान खेला जाएगा, उसकी भी लाइव कमेंट्री आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर इस मैच की, तो इस मैच में अब तक जो है बहुत अफगानिस्तान की टीम बहुत शानदार बैटिंग करते हुए 125 रन तक पहुँच चुकी है। इस ओवर की पहली गेंद पे शानदार छक्का लगाया था, एक और छक्का यहाँ पर लगाया ये रहमानुल्लाह गुरबाज ने, और इसी के साथ 85 रन पे खड़े हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। इस ओवर में 2 छक्के लगातार लगाए हैं, 2 सिंगल हुए हैं, और इसी के साथ 14 रन आते हुए इस ओवर में। यहाँ पर छक्का लगाया था रहमानुल्लाह गुरबाज ने, बहुत शानदार छक्का लगाया था, और इस ओवर में 2 छक्के लगातार लगाए हैं। यहाँ पर पहली गेंद पे छक्का लगाया था और इस ओवर की चौथी गेंद में भी छक्का लगाया यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज। और पार्टनरशिप की बात करें तो 51 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है 22 गेंदों पर, और बहुत तेज़ी के साथ रन बनाते हुए 11 से ज़ायद का करंट रन रेट अब हो चुका है अफगानिस्तान की टीम का। तो बहुत ही शानदार बैटिंग करते हुए यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज 85 रन पे खड़े हैं, अब 86 रन हो चुके हैं उनके। दूसरी जानिब अस्कर अफगान खड़े हैं और यहाँ पर 132 रन हो चुके हैं, तकरीबन 12 ओवर मुकम्मल होने वाले हैं, एक गेंद अभी बाकी है, अगली गेंद कराएंगे यहाँ पर रियान बुरल, और देखना है कि ये इस गेंद पे क्या होता है, सिंगल मिल पाएगा इस गेंद पे। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 133 पे एक अफगानिस्तान की टीम, 12 ओवर के बाद 11.8 का करंट रन रेट है अफगानिस्तान की टीम का, जो बहुत शानदार करंट रन रेट है, और इसी के साथ खेलती रहेगी अफगानिस्तान की टीम। तो 200 से ज़ायद रन हो सकते हैं यहाँ पर
अफगानिस्तान की टीम के देखना है कि तो कितने कितना टोटल बना पाती है यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम। तो जो नए आए हैं फ्रेंड उनको रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कमेंट्री मिलती रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान पहला T20 मैच खेला जा रहा है यहाँ पर UAE में शेख ज़ायद स्टेडियम में, जिसकी लाइव कमेंट्री के साथ हम आपके साथ हाजिर हुए हैं। तो जो नए आए हैं फ्रेंड उनको रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव कॉमेंट्री मिलती रहे। और कल जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का चौथा T20 मैच खेला जाना है, उसकी भी लाइव कॉमेंट्री हम करेंगे उर्दू में, तो वो भी आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस मैच की बात करें तो 12.1 ओवर के बाद 133 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के करंट रन रेट की बात करें तो 10 से ज़ायद का है, तकरीबन 11 के करीब का करंट रन रेट है। इस ओवर में दो गेंदे हो चुकी हैं, एक डॉट बॉल और एक सिंगल मिली है, तो अच्छा ओवर गुजरता हुआ अब तक ये ब्रेंडन मबूता ये ओवर करा रहे हैं, अपना दूसरा ओवर करा रहे हैं। 10 ओवर दे चुके हैं, पिछले ओवर में उन्होंने 9 रन दिए थे, इस ओवर में 1 रन दे चुके हैं। अब अगली बॉल कराएंगे यहाँ पर ब्रेंडन मबूता, देखना है कि इस गेंद पे क्या होता है। लेकिन एक और डॉट बॉल यहाँ पर गिराते हुए ब्रेंडन मबूता बहुत शानदार बॉलिंग कराते हुए लगातार 3 गेंदों पे सिर्फ 1 रन ही दिए यहाँ पर मबूता ने, बहुत शानदार बैट बॉलिंग करते हुए यहाँ पर मबूता। और यहाँ पर एक वाइड मिला जिसकी सिंगल भी ले ली, यहाँ पर बाय की सिंगल ले ली यहाँ पर एक वाइड के साथ साथ 136 रन हो चुके हैं यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पे। और इसी के साथ यहाँ पर इस ओवर में जो है वो 3 रन आते हुए 3 डॉट बॉल भी आए हैं इस ओवर में, और शानदार ओवर गुजरता हुआ यहाँ पर अगली गेंद पर 2 रन मिल चुके हैं यहाँ पर, सिंगल 2 सिंगल्स मिल चुके हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखना है कि 2 सिंगल होते हैं कि 1 सिंगल होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 सिंगल ही मिल पाएगा। इसी के साथ यहाँ पर ओवर की समाप्ति होते हुए यहाँ पर सिर्फ 1 गेंद अभी बाकी है इस ओवर की, देखना है कि ऐसे अगली गेंद पे क्या होता है। 5 गेंद हो चुके हैं इस ओवर में और अगली गेंद किराई यहाँ पर एक सिंगल ही, एक और सिंगल मिलती हुई यहाँ पर इस ओवर में जो है वो नहीं, यहाँ पर सिंगल नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बॉल को पकड़ लिया है और जो है वो सिंगल के लिए नहीं भागे बैट्समैन। इसी के साथ इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही मिले, तो एक शानदार ओवर गुजरता हुआ यहाँ पर ब्रेंडन टेलर की जानिब से। और इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन ही मिले, 3 सिंगल और एक जो है वो वाइड बॉल की सूरत में 137 रन हो चुके हैं अब अफगानिस्तान की टीम के 13 ओवर के बाद, तकरीबन 10.5 का करंट रन रेट है। इस ओवर में अच्छा जो है वो कंट्रोल किया यहां पर रन्स को उन्होंने ब्रेंडन मबूता ने, इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही आए। एक जानिब यहाँ पर असकर अफगान खड़े हैं 13 रन बनाकर 14 गेंदों का सामना कर कर एक छक्का लगा कर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, उनको मौका नहीं मिला अब तक और अच्छी परफॉर्मेंस करने का। लेकिन दूसरी जानब रहमानुल्लाह गुरबाज खड़े हैं जो शुरू में आए हैं अब तक खड़े हैं, तकरीबन उन्होंने 42 में रन जो है वो गेंदों का सामना किया है उन्होंने और 86 रन जो है वो बना चुके हैं। अभी भी क्रीज पर खड़े हैं, सिर्फ 14 रन इनको चाहिए अपनी 100 रन मुकम्मल करने के लिए। अभी भी 7 ओवर हैं और इनको जो है वो 14 रन चाहिए, बहुत आसान होगा इनके लिए एक 100 बनाने के लिए यहाँ पर T20 करियर में अपने लिए। 7 छक्के लगा चुके हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, 7 छक्के और 6 चौके भी लगा चुके हैं। 200 से ज़ायद का इनका करंट रन रेट है, जब शुरू में आए थे तभी 200 से ज़ायद का उनका करंट रन रेट है, उसी के साथ चल रहे हैं। करंट रन रेट उनका 200 के साथ ज़ायद का है, तो बहुत शानदार करंट रन रेट के साथ खेल रहे हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज।
तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करते हुए यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम और साथ ही रहमानुल्ला गुरबाज़ जो 86 रनों पे खड़े हैं 42 गेंदों का सामना किया है कि पहली गेंद में यहाँ पर एक शानदार चौका लगा। यहाँ पर इस ओवर की पहली गेंद पे असगर अफगान ने 17 रन पे खड़े हैं क्रीज पर 15 गेंदों का सामना कर कर अपनी पहली इस ओवर की 14वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगा। यहाँ पर रहमानुल्ला सॉरी यहाँ पर असगर अफगान ने एक शानदार गैप निकाला था यहाँ पर काव कवर्स और डीप मिड विकेट की जानब से जो है वो शॉट लगाई थी उन्होंने और एक शानदार गैप निकालते हुए चौके के साथ पहली गेंद पे चौका लगा। यहाँ पर शानदार यहाँ पर शुरुआत की है इस ओवर की असगर अफगान ने और यहाँ पर 141 रन अब हो चुके हैं, सिर्फ 13.1 ओवर ही हुआ है। तो यहाँ पर तेज़ी के साथ रन बनते हुए यहाँ पर अगली गेंद की, लेकिन यहाँ पर इस बॉल को जो है वाइड करार दे दिया गया है। तो ये एक ओवर वाइड इस ओवर में एक वाइड आती हुई तो बहुत ज़्यादा वाइड दिए यहाँ पर अफगानिस्तान के जिम्बाब्वे के बॉलर्स ने। तो यहाँ पर अफगानिस्तान की टीम के यहाँ पर 149 रन हो चुके हैं, इसी के साथ 150 के करीब यहाँ पर आती हुई एक शानदार चौका लगाया था लेकिन चौके को रोक दिया यहाँ पर फील्डर ने। इसी के साथ यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज अब क्रीज पर खड़े हैं और असगर अफगान ने 22 रन बनाए 18 गेंदों का सामना कर कर एक छक्का लगा कर दो चौके लगा कर 122.22 का उनका करंट रन रेट है। और दूसरी जानब रहमानुल्लाह गुरबाज खड़े हैं जो शुरुआत में आए थे, ओपनिंग बैट्समैन हैं, ओपनिंग पे आए थे और अभी तक खड़े हैं क्रीज पर और 86 रन बनाकर क्रीज पर खड़े हैं। सिर्फ 14 रन उनको चाहिए, एक सिंगल लिए उन्होंने और स्ट्राइक जो है वो अब असगर अफगान के पास फिर से चली गई है इस सिंगल के बाद। और इस ओवर में 2 चौके लगे हैं, 3 वाइड आ चुके हैं और 2 सिंगल भी आ चुके हैं, तो बहुत महंगा ओवर ये भी साबित होता हुआ। और यहाँ पर देखा जाए तो 13 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर से। जिम्बाब्वे की टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, जो बहुत ही मुश्किल
जो है वो नज़र आता हुआ यहाँ पर गलत साबित होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर जिम्बाब्वे का, और यहाँ पर बिल्कुल अफसोस होगा उनको। अफगानिस्तान के 154 रन हो चुके हैं इस ओवर की लास्ट गेंद पे भी एक चौका लगा दिया यहाँ पर असगर अफगान ने। इसी के साथ 26 पे अब आ चुके हैं असगर अफगान और अफगानिस्तान की टीम 154 रन बना चुकी है यहाँ पर एक विकेट के नुकसान पे। 14 ओवर के बाद 11 का स्ट्राइक रेट है, करंट रन रेट है यहाँ पर अफगानिस्तान का, और यहाँ पर अफगानिस्तान के 154 रन हो चुके हैं एक विकेट के नुकसान पे। रहमानुल्लाह गुरबाज अब जो है वो क्रीज पर खड़े हैं, क्रीज पर आएंगे, अगला ओवर खेलेंगे, अगले ओवर की पहली गेंद खेलेंगे। देखना है कि अगले ओवर में कितने रन बना पाते हैं यहाँ पर रहमानुल्लाह गुरबाज, और उनको सिर्फ 13 रन चाहिए अपनी 100 रन मुकम्मल करने के लिए रहमानुल्लाह गुरबाज को। तो यहाँ पर अगला ओवर जो है वो देखना है कि अगले ओवर में कितने रन आते हैं। यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस की बात करें तो इंडिया और इंग्लैंड का जो है वो चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा अहमदाबाद में। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे मैच शुरू होगा, जिसकी भी लाइव कॉमेंट्री हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले दिनों में आपको लाइव उर्दू कॉमेंट्री मिलती रहे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। तो इंडिया और इंग्लैंड का पहला T20 मैच जो है वो कल खेला जाएगा 6:30 बजे, जो चौथा T20 मैच होगा इससे